मदद आ रही बाबू जी? अरे बाबू जी तो आप हमारे नहीं, आप सुनो, आप बाबू जी नहीं, आप तो हमारे बड़े हो। मैं तो सांस दबा दिया, सुरग लोक में पहुंची, खुदा के यहाँ, खुदा के यहाँ पहुंची। तो खुश होना आप, तो अब तो उम्मीद है ना कि हाँ जी थारी मत है भाई, तू ना होता, अरे नहीं तू ना होता भाई, हम तेरे को मारा तो ऐसा हाल होगा, तो भूखे मरने का तू ना होता मेरे को किसी ने साथ ही दिया, तो मेरे साथ दिया, तो दे दिया मेरे साथ किसी ने दिया, दे ऊपर वाले ने, ऊपर मैं तो ऊपर वाले को बाद में बस तेरा से होता सुखे रहता है, मेरे साथ दिया मेरी बुजुर्ग का पता सब रहता भाई, सब रहता किसी ने कोई साथ। अब तो उम्मीद है ना, अब तो ठीक होगा मेरे भाई। भाई तेरी वजह से सब कुछ हो गया। नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई बात, देखो ऊपर वाला है ना एक जरिया बनाता है, ठीक है, उसने सुना बाबा की, सुने बाबा इधर तो आओ, आप क्यों रोने लगे, बाबा आओ इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आप इधर आओ, नहीं नहीं आपसे बात करनी मुझे, आ जाओ। हाँ हाँ, खुश हो ना आप? खुश हो बाबा? क्यों क्यों रहे हो? उस दिन से आप आए उस दिन से खुशी है जी, जी। हमें खुशी है, रोटी मिलने लगी हमें, नहीं रोटी भी कभी मुक्के का देती है, पड़ोसियों को सबको पता कि मैं केला को मांगता पानी पात पिया कर बर्तन मांझ कर इनका पोत पूरा दवाओं को कभी डॉक्टर को पोत पूरा नहीं पता था, एक दिन समय ऐसा मैं रात को परेशान होकर उसका चल पड़ा, मकई जिंदगी को खोई गया। अच्छा, बहू की इसकी मम्मी की आँख खुली, ये कहने के कहाँ जाए, बस जहाँ मेरा राम ले जा खुदा ले जा वहाँ चलो मरू मामा, कहने के बस हम भी मर जो मैं मर जाता था मेरा बेटे को खाई। अब तो तुम्हारे दो दो बेटे हो गए, तीन तीन बेटे हो गए। ये मेरा सुरंग में नहीं आ पा रहे, बेटे कहीं सांस दुआ नहीं, हमें सांस नहीं आता, मर लिए तो हम। अब तो खुशी आ गई? हाँ ये भी खुशी आई, रोटी खाने सुख चैन का लड़ाई ना भिड़ाई, नो भी नहीं कहते जाता था, आप भी पहले आधा दी रोटी में सबर करो, बाजी दफा भुक्के लौट जाते परेशान हो जाते, चाह का तो निशान ही नहीं था, अक्सर अक्सर डॉक्टर ने इनकी दवाई नहीं चलने देते, बड़ी परेशानी रही। उस दिन से आप आए लैट्रीन भी बाथरूम भी आपकी मेहरबानी से दुआ से ये बन चुके, बन जाएंगे, ये भी नहीं बनेंगे दस दिन में बन, नहीं बन जाएंगे, बन जाएंगे। साल भर बाद पहले मैं गुजर जाता, इनका कोई रखवाली नहीं था, सुबह भगवान के ये आप कहीं तक घूमते फिरते कुदरत ने भेजे, आप बेटे आकर सुरगपुरी गई। कोई जात कोई बच्चन वाला आ जा, बच्चनों का बाप बाबा मेरे भी जो है दुआ कहाँ कर दी, पैसा गोद देने है क्या, कुदरत का भजन कर भाई। अब तो यकीन है ना ऊपर वाले पे, ऊपर वाला सबके साथ है। बड़ा बड़ा समय को भी के भाग जाग दे बेचे आपके आने से नहीं कुछ नहीं कर। अच्छा आप ये बताओ, जितने लोग देख रहे हैं आप उन्हें एक मैसेज दो, क्या इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करना चाहिए? इंसानियत का काम करना चाहिए, जो जिसको खुदा भी खुश हो। आप दुआ दोगे ना, हम आपकी आप दुआ दोगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा।
उस पर लो लगाता हूँ, भजन करता हूँ, आता हूँ, पड़ोसों को बूझ लो यहाँ धरती माता को चुस्कार कर जब कदम टेकता हूँ। भाऊ जी बनवा ली नए कपड़े, पहन लियो अभी नए कपड़ों को? हाँ, वो जो फटे वाले थे ना आपके, पुराने वाले, वो उतार देना, भगा दिए, वो फेंक देना, चप्पल ही बदल लेना अपनी। अभी हम उसी गांव में हैं जिस गांव की हमने वीडियो बनाई थी अब से पहले, और हमारे बाबूजी थे, बड़े परेशान थे। हमारा दिलीप भाई है, ये बड़ा परेशान था। जहन में डाला ऊपर वाले ने हमारे जहन में कि इनकी मदद करनी चाहिए, और मदद के बाद में हमें लगा कि और ज़्यादा मदद करनी चाहिए। हमने वीडियो को वायरल किया, लोग आ रहे हैं आपके पास में मदद के लिए बाबूजी? हाँ, खाना वाना सब चीज़ आ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ना, 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 खाने की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इलाज की भी कोई दिक्कत नहीं है ना? इलाज तो बागपत से हमने पहले ही बताया था कि ये गांव पड़ता है यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, बड़ोद से आगे गांव है बिराल, किशनपुर बिराल। तो हमने एक सप्ताह पहले एक वीडियो बनाई थी, तो सब बहुत लोगों ने हमारे बाबा की मदद की। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने हमारे बाबा की मदद की और दिलीप भाई की मदद की। सभी लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कुछ लोग हरियाणा से आए, नोएडा से, बहुत समाज के लोग साहिबाबाद से भी आए, गाजियाबाद से भी आए, दिल्ली से भी आए। और मुझे उम्मीद है कि अब आपके बेटे का इलाज हो जाएगा ना अमीला। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस लोगों ने मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। पाऊ जी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन लोगों ने मदद करी है? बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास ऐसे लोगों को देखो, ऐसे लोग आपके आसपास मिलेंगे जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। हाथ बढ़ाइए, धर्म जात से उठ के आगे बढ़िए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से आगे बढ़िए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जात मुस्लिम हो, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन हो मजबूर तो उसकी मदद के लिए आ गया। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें यूँ ही प्यार बांटते रहिए।